अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। मिक्स करना रायता तैयार। आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं ज़िया तबारक भाई का स्ट्रीट फूड पीके और तमाम नए दोस्तों का, व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने काफ़ी जो है ना मतलब है कि हमें सपोर्ट किया। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं जनरली पहले बनाता था स्ट्रीट फूड पे ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल के हालात इस तरह हो गए तो उस पर जो है ना मैं मतलब कुकिंग और मिक्स बनाता था, लेकिन आजकल ज़रा फोकस कुकिंग पे ज़्यादा है। अपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आया कुकिंग ज़्यादा बेहतर है, आपको अच्छा लगता है, या स्ट्रीट फूड के टूअर्स। आज हम आपके लाए हैं सीख कबाब की कढ़ाई। तो इसके लिए जो है ना हम सीख कबाब जो हम लाए हैं ये तो हम लाए हैं बाहर से तैयार, ठीक है। और इसके साथ जो है ना मतलब कि हमें जो चाहिए होगा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लीमू, थोड़ा सा पुदीना जो हमें रायते के लिए चाहिए होगा, ठीक है। और ये घी, चलिए हमारे साथ सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। ये तकरीबन 1.5 कप घी है। इसके बाद इसमें हमने डालना है टमाटर, और इसको हमने अभी पकने देना है ताकि ये टमाटर इसमें गल जाए। वाह, अच्छा जी, ये टमाटर थोड़ा सा इसमें नरम हो गया। अब इसमें हमने डालनी है ये कुछ मसाले, जिसमें लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और खुश धनिया, ज़ीरा हम आखिर में डालेंगे। नमक वगैरह ये चीज़ें हमने थोड़ी ही डाली हैं, इस वजह से कि कबाब में अपने भी हैं तो ताकि फिर और ज़्यादा ना हो जाए। तो ये तकरीबन हमने पिसी हुई लाल मिर्च हमने तकरीबन 1 चम्मच, नमक भी तकरीबन 1 चम्मच, और खुश धनिया जो है वो तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये कबाब हम तकरीबन 1 किलो टमाटर है, और इसके साथ है तकरीबन 2 दर्जन कबाब हैं। तो इसको अब हम मज़ीद पकने देंगे। अच्छी रायते के लिए हमने दही लिया है तकरीबन 1.5 कप या शायद से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको हम थोड़ा सा पेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। ये हमारा दही हो गया तैयार। अच्छा, ये टमाटर अभी काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, इसमें अभी हम डाल लेते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मतलब तेज़ मिर्च वाला चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम तेज़ मिर्च वाला चाहिए तो आप कम डाल लें, इसमें सच कोई पैमाना नहीं है। इसको हम थोड़ा सा इसमें अगर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये अभी इसको हम देंगे पकने, तो ये ढक्कन हम वापस पे रख देते हैं। अच्छा, ये रायते के लिए हमने थोड़ा सा ये ज़ीरा भूनना है, तो ये हमने तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। अच्छा, ये ज़ीरा हमने भून लिया रायते के लिए, इसको वापस हमने प्लेट में डाल लिया। अच्छा, इसमें ये हमने जो ज़ीरा रखा था ये ज़ीरा भी डाल लेंगे थोड़ा सा, इसलिए कि टमाटर बिल्कुल पक गए हैं, इसे ये घी भी छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे कबाब जी, तो अब ये एक एक करके हमने इसमें सारे कबाब डालने हैं।
कबाब हमने डाल लिए, अब इसको हमने करना है मिक्स। जो सारा ये मसाला बना हुआ है इसमें हमने इसको मिक्स करना है। अब मिक्स कर लिए हैं, अब इसको हम दोबारा थोड़ी देर पकने देंगे और हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। हमने पकने दे दिया है और उस पर हमने रख दिए ढक्कन। जो ज़ीरा हमने भुना था वो इसको हम डालेंगे। इसको अभी हम फर्दर कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। ये हमारा रायता हो गया तैयार। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमने ये पुदीना पहले से धो के रखा हुआ है, ये पुदीना हम इसमें ये थोड़े से दो पीस इसे ये हमारा रायता तैयार। इसमें ख़ास बात यह है कि पुदीना भी हमारे अपने घर का हमने खुद ही बोया था और दही भी हमारे अपने घर की बनाई हुई है। तो जायका बाद में चेक करेंगे, अब इसको चेक करते हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल जिन्हें रेस्टोरेंट स्टाइल ही है। आखिर में इसमें हम थोड़ी सी ये अदरक डालेंगे जायके के लिए, ये कुछ लीमू जो हमने काटे हुए थे, थोड़े इसको दम करेंगे, अब ये तैयार है बस। अच्छा जी, ये हमारी सीख कढ़ाई हो गई तैयार, अभी हम इसको करेंगे सर्व। अच्छा जी, ये हमारी सीख कढ़ाई कबाब तैयार हो गई, अभी इसको चखते हैं, इसको चखते हैं कि इसका जायका कैसा है। ये थोड़ा सा लीमू हमने लिया, ये हमने कबाब ले लिए, इसमें थोड़ा सा हम ये रायता लेंगे साथ में और अब इसका देखेंगे जायका, इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह, पहले हमने सही एक बाइट ले ली टमाटर के साथ और थोड़ा कबाब। वाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अब इसको थोड़ा सा हम ये रायते के साथ भी ले लेते हैं। इसमें हमने ये पुदीना भी इसके ऊपर पुदीने और रायता का मिक्सचर जो है ना ये भी इसमें डाल लिया और नीचे कबाब है, तो अब देखते हैं इसका जायका। बहुत ही उम्दा कबाब इसमें हमने बाहर से लिए थे तैयार, जैसे को प्यारे आपको बताया। बाकी हमने इसको फ्राई किया यहाँ पर, तो इसके साथ ये लीमू के पीसीज हमने डाले थे, तो ये लीमू के साथ भी इसका टेस्ट देख लेते हैं और अदरक। बहुत आला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसलिए कि अच्छा, एक बात, एक भाई ने पूछा था कि आप सारा अकेले अकेले खाते हो, मैं सारा अकेले नहीं खाता, मेरे बच्चे बीवी बाकी घर वाले जो है ना, मतलब ये हम साथ नहीं खाते, तो अभी ये सामने ही मेरे सारे जो है ना वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।